Hello everyone, this is Rav Kaur from JMDI Defense Academy and today we have Mudassar Ali with us. He is one of our defense student who has cleared his written exam NDA 2 2022 with us. That too in his very first attempt. So, aaj hum baat karte hain Mudassar Ali se. Sabse pehle, a big congratulations on clearing your NDA 2 2022. So, Mudassar Ali, please introduce yourself and tell us about your family. Hello everyone, my name is Mudassir Ali and I have cleared my written exam NDA 2 2022 from here JMDI Defense Academy itself and I come from a middle class family and my father is a daily wage worker and I am the youngest one in my family. I have 6 siblings and my mother is a housekeeper and that's it and yeah. ओके मुदस्सर अली, अब बताइए बेटा कि आपने किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया एंड हाउ इट हेल्प्ड यू? मैम, अभी रिसेंटली मेरी 12th हुई तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मेरे पास दो आई जस्ट हैड 2 मंथ्स एंड देन मेरे को मतलब ऐसा था पहले से कि मेरे को करना तो है ये NDA तो मैं कहा लेट्स सी, इसी में मेहनत करके देखते हैं. देन मैम आई गॉट मतलब मैं सब था, सब कुछ मैं सब हो रखा था कि मतलब मेंटोर की ज़रूरत तो थी. मेरे को लगा था कि मैं खुद कर लूँगा, फिर मेरे को लगा नहीं यार कि मतलब देर शुड बी वन. फिर देन मतलब मैं देहरादून में मैंने एकेडमी वगैरह के बारे में सुना और मेरे को रिकमेंड किया मेरे कज़न ने. देन मैंने JMDI डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की और देन मतलब आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम हियर. Great. So I would like to tell my viewers that he is also from the same batch with Gaurav Varnwal. So ये हमारे दूसरे student हैं जिन्होंने NDA का written निकाला है. That too, I think in how many months, Mudassir? I just said 2 months. 2 months. In 2 months, guys. So that shows that you know आपकी dedication and hard work एक बहुत बड़ा role play करता है. Time duration नहीं. So you have broken that particular myth. आगे बढ़ते हुए एकेडमी की तरफ से आपको क्या क्या मतलब मदद मिली या कैसे हेल्प मिली, प्लीज़ वो बताइए. मैम, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू JMDI डिफेंस अकेडमी एंड ऑल द टीचर्स. मैम, 2 महीने मतलब मेरे को लगा था कि नहीं यार मतलब बिल्कुल ही मतलब 2 महीने में क्या ही कर सकता हूँ. exactly. तो इतना भी मैं मतलब हो नहीं. फिर मेरे को लगा मतलब लेट्स सी ट्राई करते हैं करने में क्या आता है. मैं आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब आया मैंने डेमो क्लासेस ली 3 डेज. देन मैम मेरे को लगा कि मतलब देर इज समथिंग यूनिक इन दिस अकेडमी. तो बिकॉज द मैथ्स फैकल्टी जो राम सेवक सर है मतलब ही हैज़ ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. देन मतलब मेरे को लगा कि आई हैड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. एग्जैक्टली. तो मैम तो मैंने खुद को एनरोल किया यहाँ पे और फिर मैम 9 बजे से अकेडमी शुरू होती थी. मैं हम आते थे मतलब चीज़ें अगर डाउट्स है तो ली है पहले वो क्लियर करना उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करते थे. right. और मैथ्स के लिए 2 टीचर्स हैं तो मतलब दोनों में मार्वलस टीचर मैं खुद से. और मैम ऊपर से फिर 9 से 3 बजे तक हम यहाँ रहते थे. इंग्लिश की बात करें जो इंग्लिश मतलब बहुत वेटेज काफ़ी अच्छा है इंग्लिश का. तो द वे आर सर मतलब आदित्य सर हमें पढ़ाते थे मतलब जिस स्टाइल से वो कैब मैम ऐसा होता है कि बच मतलब मुझे भी लगता था कि यार मतलब इतने वर्ड्स मैं कैसे याद कर लूँगा. exactly. और कौन कर लेगा, किसी को क्या पता क्या आ रहा है. True. लेकिन फिर एक वहीं पे एक मेंटोर का मतलब रोल आता है कि yes. उस उन्हें पता है कि मतलब उन्होंने रिसर्च की है कि यहाँ से पूछ रहा है यहाँ से पूछ सकता है. exactly. तो मैम वो वर्ड्स और जो टेक्निक होती थी वो कैब को लर्न करने की मतलब वो मतलब सर के पास जो थी मैम वो मतलब इट हेल्प मी अलॉट कि इसको ऐसे याद कर लो. अच्छा ये ऐसे नहीं होना तो ऐसे कर लो. कुछ मतलब मैम 100 200 300 वर्ड हम कैसे याद कर सकते हैं. और GS का मेरी साइंस टीचर साइंस फैकल्टी वाज वेरी नाइस. एंड मैम GS का अब 2 महीने में मेरे को लगा था GS में कितने ही कवर कर सकता हूँ. देन आई ट्राई टू कम्प्लीट दी होल पॉलिटी एंड उस वक्त मैं आया और सर ने मतलब सर को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और GS की फैकल्टी मतलब सर तो इनफैक्ट काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है. exactly. तो अगर हम नोट्स बनाए तो सर हमसे पहले वो खुद नोट्स बनाते थे. तो सर मैम फिर ये हुआ मैंने पॉलिटी कवर की और करंट अफेयर और हिस्ट्री में मॉडर्न मैंने कवर किए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मतलब आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊँ डेट्स मेरे को True. मतलब नहीं आता. right. और फिर 3 बजे यहाँ से जाने के बाद तो जो सीट्स वगैरह ऑलमोस्ट हमें 2 सीट्स तो मैथ्स की ही मिलती थी. right. इन 2 डेज 3 डेज मतलब yes. किए तो करनी ही करनी है. mm-hmm. और साइंस की और इंग्लिश क्या होता था चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हमें पहले फिर पूरी जो थ्योरी होती थी चैप्टर की वो उसकी सीट्स प्लस
जो हमें प्रैक्टिस सीट और प्लस एक सीट PYQ की हर चैप्टर की ऐसे मिलती थी, तो हमें ऐसे उसी ऑर्डर में करना होता था. तो मैम पहले यहाँ पढ़ो उसके बाद खुद से करो, तो मैम फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि वाई नॉट दिस टाइम, और मैम फिर और सब थिंग्स. सो गाइज आई होप दिस हैज़ गिवन यू अ वेरी यू नो क्लियर क्लैरिटी अबाउट इट कि मुदस्सिर ने किस तरीके से मतलब प्रिपेयर किया. अब जैसे कि आपने बात की वेटेज की है ना, और कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात की आपने, मुदस्सिर ऑनेस्टली बताइए कि ऐसे कौन से दो सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी रही एग्जाम में. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. मैम मैथ्स को तो मतलब हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते. Exactly. जहाँ कर भी वो तो हमें करनी ही है, वो तो लाइक अ वाटर इन आर डेली लाइफ. तो मैम मैथ्स को तो हमें लेना ही है कि मैथ्स के अलावा अगर मैथ्स आज नहीं हुई तो देयर इज नो पॉइंट कि हमें दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए. True. तो मैथ्स तो मैम कंपलसरी है, तो उसको तो करना ही करना है. Yes. लेकिन मैम साइंस और इंग्लिश, मैम इफ यू वॉन्ट टू स्कोर हाई तो मैम इंग्लिश और साइंस को तो मतलब, और दीज आर दी सब्जेक्ट, यस मैम, इन विद दीज आर दी सब्जेक्ट की हमें जिनमें ज़्यादा आउट इनपुट नहीं डालना है. जी एस में द थिंग इज कि चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं लेकिन स्टिल क्वेश्चन 50 ही है. लेकिन इंग्लिश में हमें क्या है, 50 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के है. हमें पता है वो कि ये ग्रामर पार्ट है हमारा, ये हमारा वो कैप पार्ट है, ये एडियम से, तो बाउंड्री फिक्स है कि इसके बाहर से नहीं आएगा ना, ग्रामर के बाहर से, ये चैप्टर साइंस से ही आएगा. True. लेकिन जी एस में मतलब नो वन कैन से कि ये आ जाएगा भाई ये पढ़ ले. तो मैम मैंने टारगेट किया था साइंस और इंग्लिश, और मैम मैं सजेस्ट भी करूँगा कि ऑर्डर ही यही होना चाहिए, मैथ इंग्लिश देन साइंस एंड देन जीएस. और मैम जीएस में करंट अफेयर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि करंट डेली में. ग्रेट. सो मुदस्सिर प्लीज़ टेल आर इंडिया एस्पिरेंट्स जो भी आपको देख रहे हैं कि वो आफ्टर, जैसे अगर वो अकेडमी से कोचिंग लेते हैं उसके बाद का जो काम है वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो सेल्फ स्टडी. सो वो किस तरह तरीके से वो करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज़ टेल देम योर स्केड्यूल, हाउ यू यूज टू स्टडी. मैम मतलब एक तो मैम एक वेल मैनर्ड तरीका हो, लाइक मतलब ऐसे है कि अब अगर टाइम कम है राइट, और हमने अगर हमने लगाया कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट होता ही टाइम कम है क्योंकि उसी वक्त हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, और दो तीन महीने होते हैं नियरली, उसके बाद उसमें मैम अब हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन मैम स्मार्ट वर्क अगर इन दो चीज़ का कॉम्बिनेशन हो तो मैम एवरीथिंग इज अचीवेबल. ट्रू. और मैम यही फिर मेरे ऐसा होता था कि पहले तो मेरे को वो जो सीट्स दी है पहले मेरे को वही कंप्लीट करनी है, उसके बाद मेरे को PYQ पे करना है, और फिर ये नहीं कि मैं और बुक लूँ तीसरी बुक लूँ, नहीं मेरे को मतलब मैं इनको लगता था कि मैं इससे अच्छा हूँ कि मैं वही शीट्स दोबारा रिवाइज कर लूँ. एग्जैक्टली वही अच्छे से करना. हाँ, और वही मतलब PYQ में दोबारा देख लूँ. Right. तो ये मैम मैथ्स का मेरा ये था. मैथ्स को मैम थ्री एंड हाफ आवर्स सेल्फ स्टडी तो देनी ही है मैम, क्योंकि ढाई घंटे की हमारी यहाँ, दो घंटे हमारी क्लास होती थी यहाँ पे, उसके अलावा मैम 3 घंटे हमें खुद से अगर हम दे रहे हैं तो मैम काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं. और मैम इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में मैम हम मतलब वो कैब डेली की ये भी नहीं हमें 100 वर्ड याद करने हैं, 10 करने हैं, लेकिन वो 10 होल हार्टेडली, और उन 10 के साथ हमें जो पीछे का हुआ है उन्हें रिवाइज करना है. मैम वो कैब का यही, वो कैब अगर 30 मिनट्स डेली, लेकिन अगर 30 मिनट्स डेली करो तो मैम 30 मिनट्स. और एरर के लिए तो मैम वो तो प्रैक्टिस, लेकिन थिंग्स आर अचीवेबल मैम. और साइंस में मैम इतना टफ नहीं आता क्योंकि 9-10 की बेसिक साइंस होती है, जनरल अवेयरनेस, तो उसमें मैम फिजिक्स और ऑलमोस्ट मोस्टली बच्चे तो साइंस बैकग्राउंड से ही होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी दिक्कत नहीं आती. और जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनमें बायो में थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन बायो में भी वो इतना बड़ा नहीं है सिलेबस, 9-10 की बुक से काम चल जाता है. ग्रेट. सो मुदस्सिर आगे बढ़ते हुए मतलब आपकी फैमिली से कोई डिफेंस में नहीं है आई गेस, राइट? देयर इज नोबडी. सो यू नो यू आर वेरी यंग, सो हाउ डिड यू गेट दैट मोटिवेशन टू जॉइन NDA एंड यू नो टू क्वालिफाई दिस पेपर? मैम मेरे जब मैं बहुत छोटा था मेरे मामा जी मतलब वो आर्मी में थे और मैम वो शहीद हो गए थे आर्मी में. ओके. देन मैम मेरे दूसरे मामा जी मैम वो गए आर्मी में, उनकी जगह मतलब पोस्ट मिली, तो मैम उन्हें देख के फिर अब तब तक मैं 8th में था 9th में था मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है. फिर मैं आया मेरे कज़न उन्हीं के मेरे मामा जी का बेटा मतलब वो उन्होंने NDA किया. ओके. तो देन मैम आई गॉट इंस्पायर्ड कि यार कि मतलब पहले मेरे को लगता था आर्मी में जाने का एक ही तरीका है कि ये रनिंग करो ये जाओ ये. Okay. मतलब आई वॉज नॉट अवेयर कि एक ऑफिसर एंट्री है ऐसा करके. देन मेरे को लगा यार कि मतलब मैंने फिर सोचा ही नहीं कुछ 9th के बाद, मेरे को लगा मेरे को आर्मी में ही जाना है, मेरे को आर्मी में ही जाना है. Super. मेरे को आर्मी में ही जाना है. और फिर जब मैंने देखा कि मेरे कज़न को मैंने कहा मतलब
मतलब मैम उनकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हुई, मैं अपने मामा जी को देखता था, मतलब नो वन स्टिल मैम कि अगर मामा जी सामने बैठे हैं तो कोई ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत सिस्टमेटिक, वी हैव टू बी सिस्टमेटिक इन फ्रंट ऑफ हिम. और मैम उनका जो डेली रूटीन और उनका जो एक एक डिसिप्लिन लाइफ, मैम आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देम. You got attracted. Yes, ma'am. मैं क्या कि I want that quality of life and I have to do for that whatever I can I will do. Great. And you know that motivation. So guys, you have to think about that motivation and inspiration in your life. कि क्या वो inspiration है कि आप भी वो paper clear करें और यहाँ एक दिन बैठे हो, you know, बताते हुए अपना experience. So Ali, please tell us about the exam pattern this time. जैसे कि आपका I think first attempt ही था. आपने PYQs जैसे अपने पिछले साल के पेपर भी देखे होंगे, तो क्या मेजर डिफरेंस लगा आपको इस बार के एग्जाम पैटर्न का? मैम UPSC इज अनप्रिडिक्टेबल. एग्जैक्टली. और मैम लेकिन ये नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि बिल्कुल पैटर्न चेंज था. सिलेबस सेम, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन मैम तरीका क्वेश्चन का पूछने का अलग था. इनके इफ किसी के पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, नो आई एम नॉट सेइंग कि डीप नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, तो मैम वो कर लेगा मैम किसी भी सिचुएशन में, पेपर कैसा ही आए इधर से उधर से. राइट. ही विल बी एबल टू अचीव, ही विल बी एबल टू क्रैक एंड ही विल बी एबल टू डू. और मैम यही था, हमने भी ऐसे होते कुछ चैप्टर्स की हमने सोच रखा था कि इनसे तो आना आना ही है. हाँ. इनसे तो आना आना ही है. ये तो हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. लेकिन जब एग्जाम दिया तो कुछ ऐसा नहीं था. राइट. देन हमें लगा यार कि अगर हम यही सोच रहे थे कि इनसे आना आना ही है, तो इस सच में उस पर काम करते कि यार इससे भी आ सकते हैं तो इसे भी कर लेते. एग्जैक्टली. स्टार्टिंग से करते हैं. तो मैम कॉन्सेप्ट इज किंग. और मैम इंग्लिश में उसमें से उनका तो सेम ही पैटर्न था. right. पर ये कि मैम डेज बीते जा रहे, कंपटीशन आ गया, तो लगा रहना पड़ेगा. द थिंग इज दैट. राइट. ग्रेट. सो मुदस्सिर, यू टेल मी दैट यू नो व्हाई हैव यू चोजन, मतलब JMDI अकेडमी क्यों आपने सोचा कि मैं यहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे? यस मैम. मैम मेरे को लगा था 12th के बाद कि मतलब कि चलो ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, इसे मैं खुद से ट्राई करता हूँ. और उसके बाद क्या होगा कि मैं अकेडमी जाऊँगा, मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा और देन मैं कर लूँगा. लेकिन फिर मेरे को मेरे कज़न ने बताया कि मैं भी सिर्फ एक दो महीने गया था और काफ़ी अच्छा उन्होंने मेरे को फीडबैक भी मिला कि दिया कि JMDI कि इट विल बी गुड फॉर यू एंड कि आई कैन अश्योर यू, मेरे को बोला. देन फिर ही ऑल्सो सिक्योर 150 ऑल इंडिया रैंक फ्रॉम JMDI डिफेंस अकेडमी. देन मैं कहा ओके. मैं फिर मैंने बोला, उन्होंने बोला कि आओ कि मेरे पास आना, मैं कि हम चलेंगे. right. तो मैं आया. फिर उन मेरे को जब आया, मैं डायरेक्टर साहब से मिला यहाँ से, तो मेरे को बोला कि जरूरी नहीं है तुम आओ, कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम खुद से करो तो करो, और फिर कि डेमो क्लास लेके दे लो. मैम 3 दिन आया था, मैंने डेमो क्लास ली थी. right. मेरे को 3 दिन में मतलब मैंने देखा यार कि 3 दिन में मेरे पास तो 10 शीट होगी. तो मैं कहा अब मतलब मेंटोर तो मेरे को चाहिए ही ना. तो मैं कहा दिस टीचर विल लीड मी इन अ गुड डायरेक्शन एंड इन अ बेटर वे इन विच मैम आई कांट गो अलोन. तो मैंने कहा ओके मैम, जब अभी भी करना है, बाद में भी एकेडमी आनी है, तो मैम अभी चलते हैं, इसी वक्त करते हैं. सो यू फाइंड विद अस. ग्रेट. सो मुदस्सिर, एनीथिंग इंपॉर्टेंट यू नो दैट नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस यू वुड वांट टू यू नो कन्वे टू आवर व्यूअर्स? आप कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जिससे शायद उनको हेल्प मिले ये NDA 1 2023 के प्रिपरेशन के लिए? मैम मतलब मैं तो रिटर्न के लिए मैम इट्स नॉट मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना इजी भी नहीं है. एग्जैक्टली. मैम अगर मतलब चीज़ें वेल प्लान्ड है मैम, अगर स्मार्ट, इफ यू आर रेडी टू डू स्मार्ट वर्क विद योर हार्ड वर्क, एग्जैक्टली मैम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू. लाइक मैम अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ है मैम, कुछ भी अटेनेबल है 6 महीने में, कुछ भी मतलब एक सोचे अगर तो कुछ भी कर सकते हैं. मैम मैं बोलूँगा मैथ्स तो करे ही करे, और प्लस मतलब इंग्लिश एंड साइंस को तो मतलब कट, वो तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते मैम, नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश और साइंस मतलब सिर्फ मैथ्स हमें एलिजिबल बनाएगा कि मैथ्स को हमें इतना करना है कि एटलीस्ट हमारा कॉपी तो चाहे को GAT की, और साइंस में और इंग्लिश में हमें स्कोर करना है ताकि हम कट ऑफ और बहुत अच्छे नंबर ला सकें. और मैम आई वुड लाइक टू से कि करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर मैम वो मैं तो नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम भी नहीं था. मैंने तो मंथ एंड में एग्जाम के नियर आने के बाद ही मैंने कुछ हफ्तों में किया था. करंट अफेयर आई वुड सजेस्ट टू डू फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. यस, फ्रॉम बिगनिंग. एंड मैम पॉलिटी वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में आए या ना आए रिटर्न में और मैम SSB में वो पूछने वाले हैं. सेम विद द करंट अफेयर्स एज़ वेल, ना यू हैव टू बी एट द टॉप. यस मैम. राइट. एंड मैम यही, और मैथ्स को तो करना ही करना है. लाइक यू आर ड्रिंकिंग वाटर इन योर एवरीडे लाइफ इफ यू वांट टू क्लियर NDA रिटर्न. और यस मैम, दैट्स इट. ग्रेट.
Great. Thank you so much, Ali, you know, for all the tips that you have given today in this video. I hope, guys, those who are watching this video, you get to learn from his experience that if he can do in 2 months, you guys can surely crack in day one 2023 in your next 6 months attempt. So wishing you all the luck for SSB. I really wish that you clear SSB soon and come with the good news. Thank you so much for being here and giving your time. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.